नमस्कार। पीएसएम के इस नए टॉपिक में अब हम बात करेंगे क्रॉस सेक्शनल स्टडीज के बारे में। क्रॉस सेक्शनल स्टडी को आप कैमरा स्नैपशॉट भी कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर जिन ग्रुप्स के बारे में हम कंपैरिजन करते हैं वो एक ही समय में डिफरेंट ग्रुप्स होती हैं। तो एक समय में जब आप बात करते हैं, जैसे ग्रुप ए में 20 ईयर ओल्ड लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, ग्रुप बी में हम दूसरे ग्रुप को डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों को ले रहे हैं, ग्रुप सी में अलग ग्रुप के लोगों को कलेक्ट कर रहे हैं और इनके बीच में कंपैरिजन एक ही समय में कर रहे हैं, तो ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी है। जबकि लॉन्गिट्यूडनल स्टडी इसी से मिलता जुलता एक टर्म है, जिसमें हम एक ही ग्रुप को डिफरेंट टाइम पीरियड में ले जाकर के स्टडी करेंगे। जैसे ग्रुप ए है वो एट द एज ऑफ 20 ईयर्स पे क्या हुआ, ग्रुप ए एट द एज ऑफ 50 ईयर्स क्या हुआ, ग्रुप ए एट द एज ऑफ 80 ईयर्स क्या हुआ, इस तरीके से हम डिफरेंट टाइम्स पर सेम ग्रुप को कंपेयर करते हैं। जबकि यहां पर डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों को एक ही समय पर हम कंपेयर करते हैं, इसीलिए क्रॉस सेक्शनल स्टडी को हम कैमरा स्नैपशॉट कहते हैं। अब इस स्टडी का फायदा कैसे है, जैसे मान लीजिए कोई भी हमने एक्सपोजर दिया डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों को और हम उसका आउटकम जानना चाहते हैं तो तुरंत हमें पता चल जाएगा। इसी तरीके से हम एक और रूप में क्रॉस सेक्शनल डिजाइनिंग कर सकते हैं। मान लीजिए पूरा का पूरा किसी ज्योग्राफिकल एरिया में पॉपुलेशन है, जिसमें से एक छोटे से पॉपुलेशन को हमने अलग किया और उसमें से देखा कि किन में डिजीज है किन में डिजीज नहीं उसी दिन, और उसी समय हमने यह भी चेक करने का प्रयास किया कि उनमें रिस्क फैक्टर था या नहीं था, डिजीज जिनमें था उनमें रिस्क फैक्टर था या नहीं था। तो इसमें स्टडी केवल एक पर्टिकुलर टाइम पर आपने कर लिया, इसी वजह से हम इसे कैमरा स्नैपशॉट स्टडी कहते हैं। तो ये कैमरा स्नैपशॉट जैसा, किसी एक मोमेंट पर हमने जितनी भी चीजें ली उसका अनुमान लगा लिया, आगे पीछे का कुछ भी नहीं पता। तो यहां पर हम असेस करते हैं एक ही समय पर, अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम अगर है तो उसमें रिस्क फैक्टर था या नहीं था, फिर भी बीमारी कितनी हुई उसका तुरंत हमने एक अनुमान लगाने का प्रयास किया, जैसा कि मैंने अभी आपको इस सर्वे में दिखाया। मैंने स्टडी पॉपुलेशन कुछ लोगों को मीन्स लेकर के जब बात किया गया तो देखा गया वो बीमारी कितने लोगों में है कितने लोगों में नहीं है और रिस्क फैक्टर कहाँ है कहाँ नहीं है। रिस्क फैक्टर मतलब उसके लिए एक्सपोजर रहा है और कितने लोगों को उसकी बीमारी हुई है, इसका तुरंत आपने अनुमान लगाया है। बेनिफिट ये है कि इसमें तुरंत पता चल, मीन्स जो भी आपको डेटा कलेक्ट करना है तुरंत कलेक्ट कर लेते हैं, और जितने भी सर्वे होते हैं खासतौर पर सेंसस वाले जो भी सर्वे हैं वो सभी के सभी इसी का एग्जाम्पल है। इसमें कोई फॉलोअप नहीं किया जाता, जाहिर सी बात है जो जानकारी मिलती है एक ही समय पर मिलती है। इसके एग्जाम्पल के रूप में सेंसस या फिर SRS का मतलब सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे, अक्सर ये टर्म सुनते हैं SRS, तो सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसी तरीके से DLHS जिसका फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल हेल्थ सर्वे, ये जो भी सर्वे किए जाते हैं ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी होते हैं। एक ही समय में हम गए, हमने बात किया लोगों से, तुरंत हमने डेटा कलेक्ट किया और उसको आगे भेज दिया। ये सस्ता होता है लेकिन प्रॉपर जो कॉजेशन है उसके बारे में पता नहीं चल पाता, कॉज कैसे हुआ उसके लिए हमें पूरी तरीके से वहां काम करना होगा। जैसे कहीं लंग कैंसर पर हमें काम करना है तो हमने 100 स्मोकर्स को उसी समय कलेक्ट किया और एक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बनाया हम लोगों ने। यहां पर माफ कीजिएगा, ये है ये स्मोकर नहीं, ये पॉपुलेशन है। 100 पीपल को हमने सेलेक्ट किया जिसमें से स्मोकर 70 हैं 30 नॉन स्मोकर हैं। उसके बाद हमने ये जानने की कोशिश किया कि स्मोकर हैं यानी वहां रिस्क फैक्टर है यहां रिस्क फैक्टर नहीं है। अब उसके बाद डिजीज के बारे में हम बात करेंगे, लंग कैंसर, इस 70 लोगों में से कितने लोगों को लंग कैंसर और इस 30 लोगों में से लंग कैंसर कितने लोगों को है। तो तुरंत हमने एक्सपोजर देखा वहां पर पॉपुलेशन, ये 100 पीपल हैं, ये स्मोकर नहीं है, पीपल हैं जिनमें स्मोकिंग और नॉन स्मोकिंग के लोगों को अलग कर लिया और उसके बाद देखा आउटकम कैसा रहा। 4 स्मोकर्स में से 4 लोगों को लंग कैंसर, नॉन स्मोकर्स में से सिंगल पर्सन को है। तो यहां पर सीधे तौर पर हमने अनुमान लगा लिया कि स्मोकिंग की वजह से तो है, यानी एसोसिएशन तो मिल रहा है लेकिन एग्जैक्ट यहां पर कैसे हुआ उसके बारे में नहीं पता चल पाया। इतना ही नहीं, यहां पर कोई बैकवर्ड हिस्ट्री की जानकारी नहीं होती और कोई फर्दर फॉलोअप नहीं करते हैं, हम सीधे तौर पर उसी समय उस बीमारी का एसोसिएशन उससे
जोड़ने का प्रयास किए और कुछ लोगों पर मिलता है लेकिन कॉजेशन एग्जैक्टली पता नहीं चल पाता है। क्रॉस सेक्शनल स्टडी यह एसोसिएशन के बारे में जानकारी तो दी लेकिन यह कॉजेशन के बारे में जानकारी नहीं देती है। इसके अलावा एक बात यह भी है कि जब हमें उसके कॉजेशन को जानना हो तो हमें लंबे समय तक उस पेशेंट के बारे में फॉलोअप करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सैंपल ऑफ पॉपुलेशन को हमने कलेक्ट किया और उसमें देखा कि गार्लिक ईटर्स कितने हैं और गार्लिक नॉन ईटर्स कितने हैं। इसके आधार पर हम लोगों ने कॉरोनरी आर्टरी डिजीज के प्रेवेलेंस के बारे में अनुमान बनाने का प्रयास किया कि जो लोग गार्लिक लेते हैं उन लोगों में कितनी इसके केसेस देखने को मिलते हैं और जो लोग गार्लिक नहीं लेते हैं उन लोगों में कितना है। तो यहां पर टाइम फ्रेम प्रेजेंट नहीं होता, हमने ऑन स्पॉट पूछा कि इसमें कितने लोग हार्ट के पेशेंट्स हैं और उसमें से कितने लोग गार्लिक लेते हैं। तो इस तरीके से हमने एक समय में तुरंत सारी चीजें कलेक्ट कर ली, इसलिए क्रॉस सेक्शनल स्टडी का एडवांटेज ये होता है कि तुरंत हमें पता चल जाता, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं लगता है। और इसका समस्या जो है, डिसएडवांटेजेस हैं, वो ज्यादा दिक्कत भरे हैं क्योंकि यहां पर हमें एसोसिएशन के बारे में तो पता चल गया लेकिन कॉजेशन नहीं पता चल पाया और ये बहुत जरूरी है कि हम उसके कॉजेशन को खोज सके। जैसे मैंने आपको बताया कि ये तो पता चल गया कि लंग कैंसर उन लोगों में ज्यादा हो रहा है जो लोग स्मोकर्स हैं, लेकिन जो लोग नॉन स्मोकर्स हैं उनमें क्यों हो रहा है इसके बारे में नहीं पता चल सका। उसके लिए हमें लंबे समय तक पेशेंट्स या उस सैंपल पॉपुलेशन के साथ रहना पड़ेगा, तभी हम पता कर पाएंगे।